हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल लेकिन टेस्टी खीर। मैंने एक कटोरी चावल में कुछ छोटी इलायची डालकर पीस लिया है। इसे बहुत बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा पीस लेना है। अब एक पतीले में दूध उबालने रख दिया है मैंने। जैसे ही दूध उबलने लग जाएगा फिर हम उसमें जो हमने चावल का पाउडर बनाया है वो डाल देंगे। अब दूध उबलने लग गया है तो मैं इसमें 2 बड़े चम्मच चावल का पाउडर डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिला लूंगी। मैंने करीब 1 केजी दूध में 2 चम्मच चावल का पाउडर मिलाया है। और आप जब भी बनाएं तो अपने हिसाब से, तो दूध की मात्रा ज़्यादा रखनी है और उसमें ये चावल का पाउडर कम डालना है। अब इसे हम सिम पे पकने देंगे और जितना आप खीर को सिम पे पकाएंगे ये उतनी ही टेस्टी होगी। बस इसे बीच बीच में चलाते रहें क्योंकि अगर ये गाढ़ा हो जाएगा तो हो सकता है नीचे चिपक जाए। जब ये खीर उबलने लगी तो मैंने इसमें चीनी डाल दी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसे अच्छे से मिला दूंगी मैं और ये थोड़ा जब फिर से एक उबाल आ जाएगा तो इसमें मिलाएंगे एक सीक्रेट सी चीज़, वो है घी। मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला है। अब इसे हम फिर से अच्छे से चला लेंगे। थोड़ी देर में घी का पता भी नहीं चलेगा कि इसमें घी भी डला हुआ है, लेकिन टेस्ट इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। थोड़ी देर पकाने के बाद ये इतना गाढ़ा हो चुका है। आप अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें और दूध मिला के थोड़ी देर और पका लें, लेकिन मैंने इसे इतना ही पकाया। चावल के पिसे होने के कारण ये खीर जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। फिर आप इसमें अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डाल लें जो आपको पसंद हो। और कई घरों में तो बच्चे खीर में ड्राई फ्रूट्स पसंद ही नहीं करते, तो आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ये टेस्टी ही लगेगी। अब बारी है इसे सर्व करने की। इसे हम एक कटोरी में ले लेंगे और उसके बाद ही सारा ही पतीला मैं फ्रिज में रख दूंगी। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और आप बताना कि मेरी खीर की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।